ललन सिंह की पहचान क्या थी? ललन सिंह को पहचान देने वाले एक व्यक्ति थे, वो हमारे माननीय विधायक अनंत बाबू। कौन जानता था इनको? इनको जो पार्टी है एक जात की पार्टी है, ये चरितार्थ हो गया। नीतीश कुमार में तो सांसद में कहार भाई लोग भी थे, अब तक थूके हैं उसको ये जाटे हैं और आज जाट लिए फिर। आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता बंटू सिंह हमारे साथ हैं। बंटू जी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और जो लोगों को उम्मीद थी इसको लेकर के आप भी लगातार बयान देते रहते हैं, उनको भी इस बार साइडलाइन कर दिया नीतीश कुमार ने, क्या कहेंगे इस बारे में? किसको साइडलाइन कर दिया? इनके बारे में आप कहते रहते हैं। वो चंगूराम जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हम बता देते हैं आज तक हम जो चीज़ भी बोले हैं वो एकदम सर जमीन पर उतरा है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जो कहते थे कि एक बिहारी 100 पर भारी, आज हमारे बिहार का उन्होंने माने कि कहीं का रहने हम लोग को लायक नहीं दिया नीतीश कुमार ने। सब लोग बोल रहे हैं वही बात, आज चरितार्थ हो गया कि नीतीश कुमार जो चीज़ को आज तक थूके हैं उसको ये चाटे हैं और आज चाट लिए फिर। हम पहले बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और वो चाटेंगे, वो चाट लिए। अब जहाँ तक दूसरी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो मीडिया में अभी जो चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट भी नहीं किए, बधाई भी नहीं दिए रामचंद्र आरसीपी सिंह को, ये सब चाल है। नीतीश कुमार जी को कहा जाता है, ललन सिंह एक बार उतरे थे, उनका पेट में जो दांत था ऑपरेशन करने के लिए, मगर ती तो ऑपरेशन कर नहीं सके, नीतीश कुमार उनका ऑपरेशन कर दिए, समझ गए ना? तो नीतीश कुमार जो ऑपरेशन कर दिए तो फिर क्या हुआ है, अभी जो नीतीश कुमार के पेट में जो दांत था ना, उस सरकते सरकते अब अंतरी में दांत चला गया है, ठीक है ना? और उसका ऑपरेशन जल्द होने वाला है, जल्द उसका ऑपरेशन होगा और बिहार का युवा ऑपरेशन करेगा नीतीश कुमार जी का, इन लोग से ऑपरेशन नहीं होगा। ललन जी ने जो बात कही थी उसका ही खार निकाल लिया क्या नीतीश कुमार ने? देखिए, ये जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है एक जात की पार्टी है, ये चरितार्थ हो गया। नीतीश कुमार में तो सांसद में कहार भाई लोग भी थे, धानुक समाज के लोग भी थे, सारे समाज के लोग हैं, मगर नीतीश कुमार किसको बनाया, किनको बनाए नीतीश कुमार? आरसीपी सिंह अपने अथी को बनाए। आरसीपी सिंह कैसे टाइट होकर बोल रहे थे, नीतीश कुमार को देखिए कैसे नहीं कहें कि ये बिहायागंज का स्कूल चला रहे हैं। दिल्ली गए तो क्या बोले नीतीश कुमार, कहाँ से आप लोग मीडिया वाला बात ले आते हैं? अब परसों एयरपोर्ट पर क्या बोले कि हम तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिए हैं। अरे इनका बातें गजब है, इनका कुछ मेंटिलिटी जो है सो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर में देखते हैं कि चश्मा उजरका पहने रहते हैं, नीचे आते हैं उसे ही ओमपुरी के भेष में चलाते हैं, ठीक है, काला में आ जाते हैं, रुपया बन के घूम रहे हैं। क्या कहें, ऊपर हेलीकॉप्टर पर देखते हैं तो उजला वाला रहता है और नीचे आते जनता के बीच में काला वाला पहन ले रहे हैं। जनता को देखना नहीं चाहते हैं। जनता को तो देख रहे हैं ना, कि जनता के बारे में वो सोच रहे हैं कि किसके बारे में सोच रहे हैं। अब बताइए ना, अब विशेष राज का दर्जा मिल जाएगा, 19 लाख नौकरी अब तो मिल जाएगा, बिहार में विकास का बहार हो जाएगा, होना ना चाहिए। कहाँ गया विशेष राज का दर्जा, जो जो मांगे थे नीतीश कुमार, कहाँ सब चला गया बताइए। और जहाँ तक ललन सिंह की बात है तो ललन सिंह तो जातो गमैले अब भातो न खैले, हाय रे हाय चंगूराम, मंगू तो काम कर यार। आनंद जी के साथ भी ऐसा ही, फिर उसके बाद किसके साथ इन्होंने नहीं किया, मतलब हमारे 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 जाति के लोग को इन्होंने छोपने का काम किया नीतीश कुमार के साथ मिल करके, समझ गए ना? आज ललन सिंह की पहचान क्या थी? ललन सिंह को पहचान देने वाले एक व्यक्ति थे, वो हमारे माननीय विधायक अनंत बाबू थे। कौन जानता था इनको? इनको जानता था नीतीश कुमार के ही फलनमा है, नीतीश कुमार के ही चिलनमा है। क्या हो गया रे भाई, हैं कहाँ चले गए? काफी कुछ त्याग भी किया है ललन सिंह जी ने उनके। क्या ललन सिंह कोई त्याग के? ललन सिंह का है ही क्या? ललन सिंह सरकार में है, 4 गो अफसर है, किसी पर केस करा देता है, वो रंगदार है ठेकेदार के लिए। ललन सिंह रंगदार ठेकेदार लोग के लिए है, जो उल्टा पुल्टा करते हैं, उसको धमकी देके, उसको पेंच फंसा के सब कुछ करके वो काम करते हैं। और क्या हम इस पर ज़्यादा हम बोलें? ठीक, तो बंटू जी थे हमारे साथ जिन्होंने सीधे तौर पर जो है कह दिया है कि ललन सिंह ने
आखिर किया क्या है, जात भी जो है वो गवा दिया है और काफ़ी प्रखर होकर के बंटू सिंह ने अपनी बातों को रखा है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। आप बने रहे हेडलाइंस वीआर के साथ।